साथ ही श्री चैतन्य चिंचलेकर जी का जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं विस्लिंग वुड्स के काफ़ी विनम्र हैं वो कृपया मंच पर आएं और कृपया छोटी सी भेंट हमारे स्वागत के रूप में स्वीकार करें आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है देवी और सज्जनों क्या हम तालियों से स्वागत कर सकते हैं श्री सुभाष घर जी का और श्री चैतन्य चुंचलेकर कर जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और श्री सुभाष खे जी कुछ शब्द कहेंगे अब देवी और सजनो श्री सुभाष गुड इवनिंग मैं व्यवसाय से एक फिल्मकार हूँ फिल्म राइटर हूँ फिल्म डायरेक्टर हूं फिल्म प्रोड्यूसर हूं और कहानियां लिखने का शौक मुझे बचपन से था और कहानियाँ लिखते लिखते आपको जीवन की अनुभूतियाँ और अनुभव के नज़दीक रहना पड़ता है और जब से मैं कहानियाँ आज से तीस चालीस साल पहले से मैं लिखता रहा कुछ फिल्में बनाता रहा फिल्मों की अपनी सीमाएं होती हैं उसमें गीत होते हैं नाच होते हैं कहानी होती है संदेश होता है मैसेज होता है तो उसकी अपनी एक सीमाएं हैं जिसमें कि सब कुछ हम नहीं कह सकते लेकिन जब इस तरह का स्थान इस्कॉन जैसी जो संस्था है वो हमें देती है तो हमारा मन करता है कि हम अपनी कुछ दिल की बातें आप लोगों से वो करें जो हमने अनुभव किए हैं सोची हैं और जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं मेरे सामने आए हैं एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर एज़ ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एज़ एक भारतीय एक हिंदुस्तानी बच्चे की तरह विद्यार्थी रहा हूँ मैं जीवन में और आज तक विद्यार्थी हूँ और आज भी सवाल हैं तो मेरे कुछ सवाल ही होंगे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग इंट्रैक्शन होगा कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमेशा हम सैकड़ों और हजारों साल पीछे चले जाते हैं ये मैं बचपन से देख रहा हूँ लेकिन बचपन से बड़ा होते 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 आज मैं इतना बड़ा हो गया साठ सत्तर साल से उस संस्कृति को मैंने अपने देश में होते देखा नहीं सिर्फ वो कहानियों में दब दब के रह गया सिर्फ वो किताबों में रामायण में महाभारत में दूतवाक्यम में संस्कृति में संस्कृत के प्लेस में पढ़ने को अच्छा लगता था लेकिन जब करने को बाहर निकलता है आदमी तो उसे वो कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ है वो भाषण था वो सत्संग था ये कुछ और है तो हम किस मुकाम से गुज़रे गुज़र रहे हैं और गुज़रे हैं ये सुन के मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा पतन बहुत ज़्यादा हुआ है इतना पतन हुआ है सैकड़ों साल से कि हम सिवाय किताबों को संस्कृति की किताबों को गले लगाने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है पाँच दस परसेंट लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है इन चीज़ों का लेकिन हमारे पास है क्या क्या मेरे घर में वो संस्कृति है क्या मेरे बच्चे उतने शिक्षित हैं क्या मैं उतना विद्वान हूँ क्या मेरे घर में कोई इतना विद्वान है नहीं जीरो हमने बनाया म्यूजिक हमने बनाया जहाज हमने बनाया ये हमने बनाया बनाया हजारों साल पहले बनाया सैकड़ों साल बनाया क्या आज हम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं क्यों नहीं बना रहे हैं नहीं सब बनाएंगे कौन बनाएगा गवर्नमेंट बनाएगी संस्था बनाएगी ये सवाल ये अज्ञानता हमारे में है अज्ञानता से हम भर, पूरे भरपूर भरे पड़े हैं हम लोग इस कंट्री में इस देश के अंदर आर्थिक गरीबी नहीं है आर्थिक गरीबी को भूखमरी को आदमी सह सकता है जी लेता है वो लेकिन जो बुद्धिमत्ता की गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है विवेक की गरीबी बहुत ज़्यादा है क्यों है अगर मैं आपसे चार सवाल पूछूंगा तो आप मान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं आप अपनी शादी के वक्त किसी हवन या पूजा के वक्त कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत और संस्कृत को आप बड़े ध्यान से आंखों से बंद करके उसको सुनते हैं एक दो मंत्र भी आते हैं आपको लेकिन क्या उस मंत्रों का मतलब मालूम है आपको लेकिन आप मंत्र पढ़ते ही संस्कृत के वो आपके जीवन का एक भाग्य बन चुका है कि वो सिर्फ हवन के लिए रह गया है संस्कृत जो है भाषा वो सिर्फ हवन के लिए है हमारी शादियों के लिए है हमारे जीवन के लिए नहीं है मैं जीवन में संस्कृत नहीं बोल सकता और अगर मेरा बच्चा स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा इंग्लिश पढ़ोगे ना तो इंटरनेशनल बन जाओगे नौकरी मिलेगी तरक्की तभी होगी जब इंग्लिश जानोगे या दूसरी भाषा सीखोगे फ्रेंच सीखोगे ये सीखोगे तो फिर ये पाखंड छोड़ दीजिए ना आप ये शादियों में संस्कृत का पाखंड छोड़िए इंग्लिश में शादी कीजिए हिंदी में शादी कीजिए अगर हम उस बात के ऊपर विवाद करते हैं कि संस्कृति हमको संस्कृत हमको बच्चों को नहीं पढ़ानी है तो फिर ये भाग नहीं होना चाहिए एक छोटा बच्चा चार साल का बारह साल का चौदह साल का वो आपकी तरफ देखता है कि मेरे माता पिता कितने मूर्ख हैं कि मुझे कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश स्कूल में जाओ और यहाँ पर ये तो हवन कर रहे हैं और जो संस्कृत में हवन कर रहे हैं उन्हें हवन का मतलब भी मालूम नहीं मैं जब अपने माता पिता से मौसी से चाचा से पूछता था कि ये जो दिवाली है ये किस लिए होती है एक मौसी ने कहा राम राज्य के लिए होती है दूसरे ने कहा लक्ष्मी की पूजा होती है तीसरे ने बोला कुछ और चारों मौसी ने कहा और जब मैं गुस्से में बोला कि मेरे को एक मतलब बताओ तो कहने लगे तू बहुत बोलता है आजकल चल पूजा कर मान्यता है हमारी ये मान्यता वर्ड ने और बुजुर्गों ने कहा है ये दो वर्ड के ऊपर हम लोग पुष्टों से एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं दर बदर बेवकूफ बनाते जा रहे हैं बता जा रहे हैं क्योंकि हमको भी मालूम नहीं कि बच्चों को क्या बोलना है हमको भी नहीं पता है कि विसर्जन क्यों होता है हमें भी नहीं मालूम था कि गणेश जी कौन है ऐसे है हाँ वो रिश्ता था एक पत्थर देखते हैं उसका एक हम लोग मतलब निकालने लग जाते हैं हर चीज का विश्लेषण हर चीज की इंटरप्रिटेशन किसने की है कौन था वो आदमी जो बोल के गया कौन था बोल के गया कि आपको ये भगवान है और ये भगवान नहीं है कौन बोल के गया कि धर्म क्या है या धर्म नहीं है क्योंकि हजारों साल से उसका हर जन्म में हर पुस्त बाज पुस्त यानी जनरेशन वाइज जनरेशन एक आदमी ने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया उसका विश्लेषण उसकी व्याख्या उसका परिभाषा चेंज करता गया चेंज करता गया अपने हिसाब से और चेंज करते करते हम इस दिशा में हैं कि हम किसी को नहीं बता सकते अगर हमको अमेरिकन्स आज मिल भी जाए और आप लोगों को पूछे कि वट इज हिंदुइज्म मुश्किल हो जाएगा आपको आप बड़े झेप झेप के कहेंगे इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ लेकिन नहीं बता सकेंगे आप आप ये नहीं बता सकेंगे कि हिंदू धर्म नहीं है हिंदू एक एटर्नल एनर्जी है एक सनातन धर्म है हिंदू जो है वो एनर्जी से जुड़ा है उसने उसके हम भाग हैं अगर वो भगवान है मैं उसका पुत्र हूं तो मेरा नाम भी भगवान है इसलिए मैं आत्मा बोलता हूं इसलिए मैं उसका अंश हूं ये जितनी भी देवी देवताओं के रूप हम लोगों ने बुजुर्गों ने बनाए सदियों पहले वो एनर्जीज के नाम थे अगर आप सरस्वती का नाम सुनते हैं तो क्या होता है आपको मूर्ति देखते तो क्या होता है एक क्रिएटिविटी आती है एक रचनात्मक मन करता है वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है आप एक रचना में एक क्रिया में एक इनोवेशन में पहुंचते हैं जैसे लक्ष्मी के पास जाते हैं तो लक्ष्मी से क्या एनर्जी देती है आपको गणित की देती है साधनों की देती है धन दौलत की देती है आपके खुद के बुजुर्ग कितने साल पहले वेद लिख के गए और आपने पढ़े ही नहीं मैं सबसे पूछता हूं कि आप अगर अभिमान करते हैं अपने आप बच्चों को बताने के लिए अगर आप में गर्व है कि हम आप बच्चों को बता सकते हैं तो कितने लोगों ने हैं जितने वेद पुराण पढ़े हैं चार वेद या चार उपवेद या पांचवा वेद किसने पढ़ा है फिर हम क्यों इस तरह के भाषण करें हमारी क्योंकि हमारी इच्छा है हमारी इच्छा है इसको खोदने की ये जो प्रयत्न हो रहा है ये हो रहा है कि इसको डिग किया जाए कहीं चेतना लाई जाए लोगों में कि भाई कि भैया भारत एक बहुत महान भारतीय एक बहुत महान व्यक्ति था जो गुरु था जो विश्व गुरु था वो था मैं हूं क्या लेकिन उस था तक मुझे पहुँचने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी है उस गुरु के लिए जिसने इतना बड़े ब्रह्मांड को जाना जिसने पूरे यूनिवर्स को जाना उसकी एनर्जीज को है उसके नाम दिए उससे बड़े बड़े चीजें बनाई साइंस में आर्ट में टेक्नोलॉजी में ह्यूमन वेलफेयर के लिए इतनी चीजें की बहुत गरीब हैं हम लोग मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप सब बैठे हुए हैं सब मेरे भाई हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ओम भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् इसमें इसका मतलब कितने लोगों को मालूम है अपने दिल से पूछ लीजिए और आप सबको ये गा सकते हैं आप लेकिन मतलब नहीं बता सकते है कि नहीं कबूल मत कीजिए दिल में कीजिए कितनी अजीब बात है कि हम खुद से कितना झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हम झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ उसके ऊपर परत पे परत परत पे परत, 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 परत लगाते चले जा रहे हैं और गलत शिक्षक बन गए हम हम गुरु भी गलत हो गए हैं जो गुरु है वो भी अज्ञानी है वो भी अपना ज्ञान जो है जोर जोर से बोलकर कहता है चमत्कार दिखा के कुछ कहता है हर सेंचुरी में आकर एक एक सौ साल के बाद एक नया आता है आदमी और बोलता है ये भगवान है ऐसे करो लेफ्ट चलो राइट चलो, चलो लेफ्ट चलो लेफ्ट चलो राइट चलो बिना उसके मतलब को समझाएं कितनी अजीब बात है हम भारत का झंडे के नीचे जनगण मन अधिनायक जय है बड़े बड़े प्यार से बड़े दिल से बड़ी श्रद्धा से खड़े होते हैं सिनेमा हॉल में कहीं भी सभा में लेकिन हम वो गाने गाते हैं हमें उसका मतलब नहीं मालूम आपके देश का नेशनल एंथम है और आपको उसका मतलब नहीं मालूम? थोड़ी ताली तो बजा दीजिए अपने पे हंसना अच्छा होता है हंस दीजिए हमें अच्छे शिक्षक नए शिक्षक क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी गई हमारे पिताजी दादाजी को भी शिक्षा उसी तरह से जो कि एक गरीब आदमी का कहा जाता है कि तू वहां बैठ जा उस सामने एक मुहूर्त है उसको देखता रहे बस तेरा जीवन यहां सफल हो जाएगा तो ही मर जा आगे कुछ मत करना आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि भारत ये है भारत वो है भारत ये है मेरे पास एक मोबाइल है मैं मोबाइल को मोबाइल को मैं दो दिन में सीख सकता हूं ये कैसे चलता है छः महीने के अंदर मैं उसकी इंजीनियर बन सकता हूं लेकिन क्या भारत में किसी ने मोबाइल का डिजाइन किया है कोई विचारक आया कोई कॉन्सेप्ट कोई थिंकर आया अगर वह जीरो बनाई है या म्यूजिक बनाया है या विमान बनाया है तो उसने मोबाइल क्यों नहीं बनाया है कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया है सवा सौ सव करोड़ की जनसंख्या में किसी ने नहीं, नहीं बनाया अभिमान करने को तो कोई भी हर हर आदमी को हक है हर गरीब को हक है हर अशिक्षित को हक है कि वो अभिमान कर सकता है अपने लैंड का अपनी सोसाइटी का लेकिन अगर हम विचार करें तो क्यों नहीं है क्योंकि हमारी शिक्षा गलत है हमारी पूरी शिक्षा की सिस्टम प्रणाली शिक्षा गलत है हमारे शिक्षा के अंतर्गत बताया नहीं कि आध्यात्मिक चीज़ क्या होती है हमारे शिक्षा के अंदर बताया नहीं ये फोर्स किया उसको ज़बरदस्ती उसके दिमाग को फोर्स किया कि ये हमारी मान्यताएं हैं ये हमारी मूल्य हैं ये हमारी चीज़ें हैं ये हमारे नियम हैं जब उसने जवाब पूछा हमारे पास जवाब नहीं था जवाब देंगे तो वो करेगा तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को पहले अपने बच्चों को हमने तो जो करना था हमारा खराब हो चुका है वी आर डिस्ट्रॉयड वट वी कैन डू इज वी कैन डू ऑनली सिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले समझाने की कोशिश करो उसका अर्थ, हर चीज का अर्थ समझाने की कोशिश करो पूजा का क्या अर्थ है धर्म का क्या अर्थ है नीति का क्या अर्थ है पानी का क्या अर्थ है समाज का क्या अर्थ है छः मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ या यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपने बच्चों को हमेशा पंद्रह साल तक एजुकेशन दी है लेकिन उसके दिमाग में यही रहा है हमेशा कि साल में आ, आखिर तक मेरे को छः सवालों का जवाब कैसे देना है और पास होकर डिग्री लेके मुझे नौकरी करनी है क्योंकि मेरे माम बाप ने मेरे पीछे डंडा मारा हुआ है मुझको वो जिंदगी भर सिर्फ उस किताबों को जो दी गई है वो पढ़ के एक अंधे बच्चे की तरह पढ़ पढ़ के छह सवालों का जवाब देने के लिए वो पढ़ता चला जाता है पढ़ता चला जाता है पढ़ता चला जाता है और जब ग्रेजुएट होके जाता है उसको काम ही नहीं मिलता वो कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम तो काबिल ही नहीं हो क्यों ऐसा होता है क्यों हमारा बच्चा बड़ा होके विद्वान नहीं बनता या खड़ा होकर बात नहीं कर सकता ये हम ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को इसलिए इसके मूल को सोचना होगा और इसका मूल सिर्फ शिक्षा है इसका समस्या भी वही है और समाधान भी वही है समाधान है कि अपनी संस्कृति के बारे में सबसे पहले चाहे वो बिजनेसमैन है तो अपने स्टाफ को पढ़ाइए अगर आप स्कूल वाले हैं दुकानदार हैं तो दुकानदार के आदमी को पढ़ाइए और खुद पढ़िए हर लाइब्रेरी में जाइए फिर से शिक्षा पाइए कि हम कौन हैं जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है हमको चीजों का अर्थ का मतलब ही नहीं मालूम छोटी छोटी बात का मतलब मालूम नहीं संगीत का मतलब मालूम नहीं है संगीत का मतलब कुछ म्यूजिक होता है नाट्य शास्त्र का मतलब कुछ म्यूजिक होता है वाद विवाद से भरे पड़े हैं हम लोग एक दूसरे के काटने के लिए कट थ्रोट बिजनेस कट थ्रोट पॉलिसीज इसीलिए हम रो भी रहे हैं कि वैल्यूज कहाँ चली गई ये बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं ये पश्चिम की तरफ क्यों जा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी चीजों में महानता नजर नहीं आती है जब तक बच्चों को आप ये नहीं बताएंगे कि जो तेरे घर में है जो तेरे देश में है जो तेरी संस्कृति में है वो उनसे भी बड़ी महान चीज है खाली आप डे, डेटा से नहीं बता सकते जब आप उसको समझाएंगे और वो कन्विंस हो जाएगा फिर आप देखिए जनरेशन क्या होगी फिर वो जनरेशन होगी जिसको बोलते हैं नया भारत होगा और मैं आज एज ए राइटर डायरेक्टर मैं आपको बता सकता हूँ आज से पचास साल बाद जो आपके बच्चों के पोते होंगे वो संस्कृत भाषा बोल रहे होंगे कॉमन लैंग्वेज में आप मेरी बात याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश भाषा इंग्लिश भाषा ऐसा होगा जैसे सबको हिंदी आती है तो सबको इंग्लिश आती है नौकर को भी आती है और मालिक को भी आती है संस्कृत किसी किसी को आती है इसलिए इंग्लिश वाला देखेगा अरे संस्कृत वाला बड़ा एजुकेटेड आदमी है इंटेलिजेंट आदमी है यार ये बड़ा इंटेलिजेंट है भाषा ही तो है और संस्कृत भाषा की कमाल कमाल क्या है उसकी जैसी भाषा इसलिए नहीं वर्ल्ड में मानी गई भाषा है कि हर भावना के साथ साथ मीनिंग जो होते हैं साथ जो कलर हैं हर शब्द के साथ कलर का अर्थ दिया है अगर हमने इंग्लिश में कहा कि सॉफ्ट है मेलो है फ्रिजाइल है है ना इंग्लिश वर्ड्स के एक कोई भी चीज़ कहनी हो सॉफ्ट है फ्रिजाइल है मेलो है और इस तरह से सात वर्ड होते हैं संस्कृत में भी हर शब्द के साथ मतलब है आज लंदन के इंग्लिश इंग्लिश स्कूल ने संस्कृत भाषा शुरू की अपने स्कूल के अंदर आप पढ़ लीजिए नेट पर जाके अगर इंग्लिश टीचर्स और इंग्लिश शिक्षक जो हैं वो संस्कृत भाषा को समझ सकते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा सकते जब पढ़ाएंगे उनकी कथा सुनेंगे वो गाथाएँ सुनेंगे उनके अर्थ समझेंगे इसलिए खाली शादी के लिए वो संस्कृत वो नहीं रहेगा बाजा पंडित ने जो बोल दिया हमने सुन लिया एक कहे ज्ञानी एक कहे ज्ञानी दूसरा कहे जानी संत कहे दोनों ज्ञानी <coughs> मूर्ख ने मूर्ख को समझाया हो गए दोनों ज्ञानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है ये आप किसी संस्था पर या किसी गवर्नमेंट पे या किसी भी सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते आपको अपने परिवार के अंदर अपने बच्चे के लिए सोचना जरूरी है कि मैं इसको किस तरह की शिक्षा दूं और कौन से स्कूल में भेजूँ जरूरी नहीं कि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाके या अंग्रेजी स्कूल में जाके ही बड़ा बड़ा बनेगा वो इसी तरह से बड़ा होना चाहिए वो भाषा भी सीखे ये भाषा भी सीखे और इस चीज़ की पूरी अर्थ के साथ समझे इनके गुरु शिक्षक भी पढ़े लिखे होने चाहिए बिल्डिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता नाम होने से कुछ नहीं होता उसके पहले पता कीजिए कि उस स्कूल के टीचर कौन हैं उस टीचर की हिस्ट्री मांगिए आप उस शिक्षक की हिस्ट्री मांगिए जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है वो उसकी ज़िंदगी बना रहा है या खराब कर रहा है क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता है कम से कम शिक्षक तो अच्छा होना चाहिए इस देश को अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है बहुत सी बातें कर सकता हूं लेकिन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका अभी कुछ सवाल जवाब अगर आपके होंगे तो मुझे बता दीजिए मैं बातचीत कर लूंगा नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद